दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अभी अभी आपने यूट्यूब ज्वाइन किया है और वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजहर और आप देख रहे हैं एजी टेक्निक। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे बेस्ट माइक के बारे में, जो कि न्यू यूट्यूबर्स है ये उनके लिए, क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो महंगे माइक खरीद सके, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक चीप और बेस्ट माइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं नए यूट्यूबर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और करते हैं अनबॉक्सिंग इस माइक की। ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक माइक है कैंडे कंपनी का, और इस वीडियो में इस माइक की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये माइक आपको लेना चाहिए या नहीं। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये माइक कैसा है, और आखिर में मैं इस माइक का साउंड टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस ब्लूटूथ से, और इसके बाद मैं इसकी ओपनिंग करने के बाद इस माइक को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके आपको इसकी भी आवाज सुना करके दिखाऊंगा। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स को खोलने से पहले आप इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन सी कंपनी है और इसका मॉडल नंबर क्या है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस माइक का मॉडल नंबर है DC-C6DM, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डुअल माइक है। और अगर आप अपनी वीडियो में किसी का इंटरव्यू करते हैं तो एक ही माइक से दोनों लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये डुअल माइक है, एक माइक आप लगा सकते हैं और दूसरा माइक आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको भी आप दे सकते हैं, तो दोनों लोग सिर्फ एक माइक से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक डुअल माइक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आइए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। ये मैंने यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ से हमें मिलती है एक पोटली, ये देखिए ये एक पोटली हमें मिलती है, और इस पोटली पर भी यहाँ पर हमें इस कंपनी का लोगो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए इस पोटली को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है और देखते हैं हमारा माइक कैसा है। तो हमने यहाँ से ये देखिए इस माइक को हमने यहाँ से निकाल लिया है, और इसका जो वायर है वो तकरीबन 4 मीटर का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा वायर है, तो इसमें दो लोग आराम से इस माइक पर बोल सकते हैं और अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इस तरह का ये माइक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है, ये इसको आप निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा लगा कर ही रखिए, इससे नॉइस कैंसिलेशन में काफ़ी मदद मिलती है। ये देखिए इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, और इस माइक को आप अपने कैमरे में या फिर अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने मोबाइल फोन से, और मेरा मोबाइल फोन जो है वो टाइप सी है, तो इसीलिए मैं एक OTG भी लाया हूँ, ये देखिए 3.52 टाइप सी का। तो इसको भी मैं ओपन करके अपने माइक से कनेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और मैं इसको यहाँ से ये देखिए इस तरह से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे अपने मोबाइल फोन में लगा सकता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके प्राइस की, तो ये माइक काफी सस्ता है, आपको इंडिया में 500-600 रुपीस में मिल जाएगा, यानी कि 500-600 तक में आपको ये माइक मिल जाएगा, जो कि नए यूट्यूबर्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं होता कि हम महंगा सामान खरीद सके। तो आइए इस माइक को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हैं और इसकी वॉइस आपको सुनाते हैं कि कैसा है ये। तो मैं इसको अपने मोबाइल फोन से अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं अपना ब्लूटूथ यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना ब्लूटूथ बंद कर दिया है और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने नए माइक्रोफोन से, तो आप लोग बताइए कि इसकी वॉइस कैसी है। तो अभी मैंने इस माइक को यहाँ पर अटैच कर लिया है, अब आप लोग बताइए कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और ये आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। और अगर आप मेरी राय जानेंगे तो मेरे लिए तो ये माइक अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सस्ता है और मैं ज़्यादा महंगा माइक अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो उस हिसाब से ये माइक सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे पास भी ज्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं आते, तो उस हिसाब से मैं भी ज्यादा महंगा माइक और कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से ये सही है, 400-500 रुपए तो कोई भी खर्च कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Put me in the face, tell me that you love me, even if it's